आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैक रूम्स में कैसे जाते हैं और चले जाने के बाद सरवाइव कैसे करना है। और अगर आप नहीं जानते कि बैक रूम्स क्या होते हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। बैक रूम्स एक ऐसी जगह है जो असली दुनिया से हटके एक दूसरे डायमेंशन में मौजूद होती है, और क्योंकि बैक रूम्स किसी दूसरे डायमेंशन में मौजूद है इसलिए वहाँ की प्रकृति के नियम काफी अलग होते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कोई नियम ही नहीं होता तो वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ समय के बीतने का तरीका काफी अलग होता है। यहाँ तक कि कभी कभार समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बैक रूम्स ऐसे ही अजीब और गरीब फिनोमेनन्स और एंटिटीज से भरा हुआ है। अगर कोई इंसान असली दुनिया से किसी रियल लाइफ ग्लिच के चलते नॉकलिप हो जाए तो वो यहाँ बैक रूम्स में आ जाता है, और ये कभी भी बिना बताए बिना किसी वार्निंग के हो सकता है। लेकिन अगर आप भी बैक रूम्स में जाना चाहते हो तो इन ग्लिचेस की मदद से जा सकते हो, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस ढूंढनी पड़ेगी। एंट्रेंस उन ग्लिचेस को कहा जाता है जो आपको रियल वर्ल्ड से बैक रूम्स में ले जा सकते हैं, और इनका अस्तित्व में आना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेकिन अगर कभी कोई एंट्रेंस अस्तित्व में आ जाए तो आप उसको देख के आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये एंट्रेंस किसी दीवार के जैसे भी दिख सकती है जिसका रंग बाकी दीवारों से थोड़ा ज्यादा गहरा होगा, या हो सकता है कि उस दीवार की कोई परछाई ना बनती हो। ऐसी दीवारों को छूने से या इनके आर पार जाने से आप बैक रूम्स में चले जाओगे। और अगर आपको कभी ऐसा दरवाजा दिखे जो पहले कभी नहीं था या जो देखने में कुछ ज्यादा ही अलग वाइब्स दे रहा है तो ऐसे दरवाजे भी आपको बैक रूम्स में ले जा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी ऐसे इलाके से गुजर रहे हो जहां आपको काफी अजीब महसूस हो रहा है तो उस इलाके में थोड़ी देर रहने से हो सकता है आप बैक रूम्स में चले जाओ। इन तरीकों से काफी चांसेस है कि आप लेवल 0 में पहुंचोगे। काफी रेयर है अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 में पहुंचो। लेकिन अगर आप एक एंट्रेंस ढूंढ भी लेते हो तो उसके अंदर तब तक मत जाना जब तक आप सर्वाइवल के लिए अच्छी खासी सप्लाईज अपने बैग में न रख लो। बैक रूम्स में भी सप्लाईज मिलती है, लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी करके जाओगे तो बेहतर होगा। फर्क नहीं पड़ता आप बैक रूम्स में इंटेंशनली पहुंचे हो या गलती से, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद काफी चांसेस है कि आप अपना आपा खो दोगे अगर आपने अपने ऊपर काबू नहीं रखा तो। एक बार यहाँ आ गए तो आपका मन असली दुनिया में वापस जाने का करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा कर नहीं सकते, इसीलिए आपको अपनी फेट एक्सेप्ट करनी होगी। वापस घर जाने के लिए रास्ता ढूंढने की जगह सर्वाइव करने की कोशिश करनी होगी, और कुछ भी हो जाए यहाँ चिल्लाना मत, क्योंकि आप यहाँ अकेले नहीं हो। और यकीन मानो आप चिल्ला कर यहाँ रहने वाली एंटिटीज को अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहोगे। वेल, अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर आना कैसे है, और अब बारी है सर्वाइव करने की। स्टेप 1, जरूरी आइटम्स कैरी करना, जैसे कि फर्स्ट एड किट। और मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्स्ट एड जरूरी क्यों है। ऑब्वियसली बैक रूम्स में काफी खतरा है तो इंजुरीज होना कन्फर्म्ड है, इसलिए फर्स्ट एड किट जरूर रखना। और आप अकेले ही चोट खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एंटिटीज को भी चोट लगने का दर्द पता होना चाहिए, और इसके लिए वेपन सबसे ज्यादा काम आएंगे। वैसे तो फायर आर्म्स काफी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बेटर होगा आप कोई ऐसा वेपन इस्तेमाल करो जो नॉइस क्रिएट करके आपकी लोकेशन एक्सपोज न कर दे, फॉर एग्जाम्पल तलवार, खंजर, कुलाड़ी, धनुष, तीर वगैरह। अगर फायर आर्म्स यूज करने हैं तो सप्रेसर लगाना मत भूलना, और यहाँ समय नॉर्मल तरीके से नहीं बीतता, इसीलिए एक घड़ी या टाइमर रखना काफी जरूरी है, वरना हो सकता है आपको पता भी न चले और आपको एक ही लेवल में हफ्तों बीत जाएं। हफ्तों से याद आया, आपको खाने के लिए ऐसी फूड सप्लाईज स्टोर करनी चाहिए जो काफी लंबे समय तक चले, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कैन में पैक्ड हो, एंड ऑब्वियसली वाटर बॉटल्स काफी जरूरी है ताकि आप वेरियस लेवल्स में मिलने वाले एलिमेंट वाटर को स्टोर और कंज्यूम कर सको। पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े और सोने के लिए स्लीपिंग बैग होना जरूरी है, और हो सकता है आप कभी किसी अंधेरी लेवल में फंस जाओ तो ऐसी लेवल्स के लिए फ्लैशलाइट होनी भी जरूरी है। और हाँ, इन सभी सप्लाईज को कंटेन करने के लिए एक बैकपैक भी होना चाहिए। स्टेप 2, मैनेजिंग आइटम्स। आप जैसे जैसे लेवल्स में प्रोग्रेस करते रहोगे उसी तरह आपको सप्लाईज कैसे मैनेज करनी है इसका आइडिया मिलता रहेगा। कौन सी एंटिटी को कैसे हैंडल करना है और किसी लेवल की एग्जिट कैसे ढूंढनी है, ये सब आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बैक रूम्स में कैसे जाना है और सर्वाइव कैसे करना है। रही बात बैक रूम्स की एग्जिट की, तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।